डायलॉग विद हिस्ट्री के साथ मैं हूँ आयशा नूर और मेरे साथ मौजूद हैं आफताब साहब अच्छा सर आज जरा हम संजीदा नोयत की बात करेंगे क्योंकि अप्रैल फोर्थ के आसपास ऐसी कैफियत हो जाती है ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी इस मुल्क के साथ बहुत बड़ा सानह था जिसका खमियाजा ना सिर्फ हम भुगत रहे हैं बल्कि आने वाली नस्लें भुगतती रहेंगी हम तो उस वक्त यूथ थे कॉलेज में था मैं सेकंड ईयर मुझे अच्छी तरह याद है बड़ी तवील रात थी वो ये फांसी भुट्टो साहब को ही नहीं दी गई थी सच पूछें तो उस रात डेमोक्रेसी वाज हैंग्ड हम बहुत दुखी दिल के साथ इस खबर का इंतजार करते रहे हालांकि यंगस्टर्स का ये मसला नहीं होता तो हर आंख पर नम थी इवन वो लोग जो भुट्टो साहब के कुछ ज़्यादा हक में नहीं बात करते थे भुट्टो साहब का गम हर एक के चेहरे से या था सर क्या कभी बेनजीर भुट्टो की मिस्ट्री भी सॉल्व होगी हाँ आप अकेली बेनज़ीर भुट्टो की मिस्ट्री नहीं ये मुल्क मिस्ट्री से भरा पड़ा है इट इज मिस्ट्री। किताब है मुझे याद आ रही है अफसानों की मोहम्मद मनसा याद की किताब थी यादों से भरा बस्ता बड़ा खूबसूरत नाम इसी नाम का अफसाना भी है उस किताब में बड़ा उमदा स्टोरी टेलर था मोहम्मद मनशा याद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत या पाकिस्तान की तारीख राजों से भरा बस्ता है बेशुमार बातें हैं मिस्ट्रीज हैं रिडल्स हैं अनसोल्व अन आंसर्ड कोश्चन्स हैं अकेली बेनज़ीर की एक मिस्ट्री नहीं है आप अगर गौर करें तो द मिस्ट्री बगैन विद द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान जिस कस्मा पुरसी में कायद अज़म का इंतकाल हुआ मैं तो उस पर भी क्वेश्चन करना चाहता हूँ ना इसकी तरफ ध्यान गया स्टैनले वॉल्पर्ट का ना किसी और बायोग्राफर का जिसने कायद अज़म पर को बात की हो फिर मैं तो समझता हूँ कि हमारे मीडिया को अब तक इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए था कायद अजम की हमशीरा मोहतरमा फ़ातमा जना उनकी मौत कैसे वाक्य हुई शरीफुद्दीन पीरजादा जैसा इंतहाई सेंसबल मुदब्बर अगर ये बात लिखता है उसकी बात हेडलाइन के तौर पर नवाए वक्त में नेशन में छपती है कि फ़ातमा जना वॉज मर्डर्ड बायदा कत्ल किया गया था आला कत्ल का तस्करा है यह भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जिसकी तरफ कभी हमारे मीडिया का ध्यान ही नहीं गया कराची की बात है सर। जी कराची का वाक्य मैंने इस सिलसिले में कुछ अपने तौर पे रिसर्च की फिर हुसैन शहीद सौरवर्दी, वर्दी फिफ्थ 1963 एक बड़ा अहम वाक़ बड़ा लाजवाब आदमी इंतहाई शानदार स्टेट्समैन वन ऑफ द बेस्ट पीपल पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस्ड सबक वज़ी अजम इनतहाई पुरसरार हालात में बैरूत के एक होटल में मुर्दा पाए गए उनकी साहबजादी कहती हैं कि मेरे बाप की मौत कार्डियक अरेस्ट से नहीं हुई ये कॉज नहीं थी इफ़ेक्ट था जो कॉज थी वो उस वक्त की बुरोक्रेसी थी जिन्होंने मेरे बाप को मर्डर किया तो मतलब उनके मेदे में से जहर निकली तो जहर वो किधर से आ गई भी जहर ख़ुरानी से उनकी डेथ होगी को बात है बोलो यानी आपका सबक वजीर आजम एक इंतहाई नफीस आदमी कायद अज़म के इंतहाई पसंदीदा और चहेते लोगों में से एक वो इस कदर बेदर्दी से मारा जाता है चले तब ही मौत मर गया तो आपने उस पर कोई रिसर्च ही नहीं की को उस कोई उस पर कोई तहक़ीक़त ही नहीं हुई फिर मैदे में से जहर कैसे निकली क्या वजह थी जब इस पर गौर वौज करेंगे तो अगला सवाल ये होगा कि वो एग्ज़ाइल में रहे क्यों रहे थे उन्होंने पाकिस्तान में रहना पसंद क्यों नहीं किया ये भी उस कॉन्सपरीसी का हिस्सा है ये उस पूरी कहानी का उस अलमनाक दर्दनाक तारीख का हिस्सा है जो मैं कहता हूँ ना हमारी तारीख को राजों से भरा बस्ता कहना चाहिए तो उसकी एक वजह है फिर कुछ लोग उस दौर में उनकी कुछ दोस्तियों का तस्करा करते थे सरवर्दी बड़े नफीस आदमी थे उसमें कोई शक नहीं बड़े लाजवाब आदमी थे उन्हें एक शौक था फंक्शंस करने का डिनर्स थ्रो करने का पीएम हाउस कराची में वहाँ पे बाकायदा डांस पार्टीज़ भी होती थी और ये उस दौर का कल्चर था अंग्रेज़ को गए अभी बमुश्किल एक दहाई हुई थी लेकिन इनके बारे में कहते हैं कि ही एबस्टेंट फ्राम लेकर टिल द टाइम ही वॉज इन पी हाउस बड़ा ख्याल रखते थे डॉक्टर्स ने भी मना किया हुआ और इन्हें पता था कि मैं जिस पोजिशन पर हूँ मैं कुछ ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकता लेकिन उनके डांस के हवाले से उनकी डांस पार्टनर्स के हवाले से एक खातून का तस्करा बड़ी तफसील से होता है वो खातून जिसका शोहर कुछ ही अरसे बाद इंतहा अहमियत का हामिल हो गया चीज़ें आपस में कनेक्ट की जा सकती हैं बशर्ते के आप नकनीति से सुराग लगाने की कोशिश करें किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं उसके बाद आप आ जाएँ दीगर बड़े अहम केसे इवन भुटो का मर्डर भुट्टो के मर्डर के पीछे क्या क्या ऐसे मामला थे गुफ्तु का आगाज किया था दो वज्रा आजम एक वजीर आजम बेनजीर और दूसरा वजीर आजम लियात अली खान ये दोनों भी मर्डर किए गए किसी को हतमी तौर पर नहीं पता चल सका कि किसने किसके ईमा पर क्यों मर्डर किया था खासतौर पर बेनज़ीर की मौत आपको किस कदर अयाँ लगती है किस कदर क्लियर लगती है आशकार है एक एक चीज़ से सोर्स की तरफ ध्यान जाता है क्योंकि बाद के हालात ने देखिए मर्डरर का मोटिव उसे पकड़वाता है लेकिन हमारे यहाँ चूंकि ये सिलसिला चला नहीं ना आगे जहाँ तक ताल्लुक़ है खान लियात अली खान के मर्डर का तो मैंने दो शोज़ कर रखे हैं एक मैंने किया था हसब हाल उसमें मैंने कुछ डिटेल गुजारिशात की थी मुझे गुरबानी साहब की साहबजादी ने लीगल नोटिस भी सर्व किया था और दस करोड़ का हर जाना भी मेरे पे उन्होंने कर दिया था वो बात फिर किसी और तरफ चली गई ये जब 16 अक्टूबर आया करती थी तो मैं ये जरूरी समझता था ताकि वो है ना गाहे गाहे बास खां किस्सा है पारीना रहा इनका तस्करा करते रहना चाहिए कि शायद अब जैसे अब इस हिस्ट्री चैनल से मैं समझता हूँ कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फॉर पीपल लाइक मी टू to की फॉर गॉटन नूक्स ऑफ आवर हिस्ट्री कि इधर जाता ही कोई नहीं अब ये ब्लाइंड एलिज हैं आप इन्हें टच करेंगे भाई इसको अनर्थ करोगे तो बहुत सारी छुपी हुई सच्चाइयाँ तुम्हारे सामने आएँगी क्योंकि सच्चाई का फकदान है हमारे यहाँ हम झूठ पे रियाकारी पे दो नंबरी पर कायम माशरा और वो इमारत ऊपर की तरफ बढ़ती चली जा रही है बुनियाद की तरफ किसी को ख़्याल ही नहीं आ रहा कि बुनियाद कमज़ोर होगी तो ये इम्प्लोड कर जाएगी ये बात शायद आम आदमी के फहम से बाला हो लेकिन समझदार शख्स को पता है कि इमारतें इम्प्लोर्ड क्यों करती हैं ये अपने ही वज़न पे ख़ुद कैसे गिरती हैं जब आपकी बुनियाद कमज़ोर होगी जो शाख नाजुक पे आशियाना होता है उसका अंजाम यही होता है शाख टूटती है तो आशियाना भी गिर जाता है